मध्य प्रदेश सरकार की तमाम सख्ती के बावजूद प्रदेश की ग्राम पंचायतों में घोटाले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा ही मामला शिवपुरी जिले की ग्राम पंचायत धौरिया का है, जहां सरपंच ने ग्राम पंचायत में हो रहे विकास कार्यों में 3 करोड़ के घोटाले को अंजाम दे दिया। शिवपुरी जिले की ग्राम पंचायत धौरिया में सरपंच ने ग्राम पंचायत में हो रहे विकास कार्यों में लगभग 3 करोड़ रुपए का गबन कर दिया। सरपंच ने पीएम आवास योजना में आदिवासी समुदाय को दिए जाने वाले आवासों में भरपूर कमीशन लिया और इसके बाद भी प्रशासन ने सरपंच के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। प्रशासन के इस उदासीन रवैये से घोटालेबाज की हिम्मत और बढ़ गई। उसने शिकायत करने वाले पीड़ित आदिवासियों को धमकी दी। हालांकि इसके बाद पीड़ितों ने कलेक्टर रविंद्र चौधरी से गुहार लगाई है, जिस पर उन्होंने कार्यवाही का आश्वासन दिया है। बाटा सेट प्रधानमंत्री बाटा सेट द्वारा जी मैंने कार्य करवाया था तालाबों का, इस पे रोड 6-7 किलोमीटर पिपलौदा से धौरिया के लिए ठेकेदार द्वारा बनाया गया था। अच्छा। इसके बाद में इस पे फर्जी पेमेंट जीर्ण उद्धार के लिए टीएस करवा के राम गोपाल वर्मा जिला पंचायत सीओ जनपद सीओ कलेक्टर मदो कई एक आवेदन दे चुके। ठीक है। आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं है। ठीक है। जितने मेरे बाटे सेट के जो मैंने तालाब बनावा है 2021 और 2021-22 में, ठीक है, उन पर पूरे टोटल तालाब पर फर्जी पेमेंट किया गया। जीर्ण उद्धार के लिए 7 साल से पहले कोई जीर्ण उद्धार तालाब पर नहीं होता, वो मशीनों द्वारा मुझे ठेकेदार द्वारा रोड बनाया गया। 15 रुपये टिंकू है कुशवा, ये जो तुम्हारे सरपंच रखा हुआ है उनके तो मैं सरपंच हूँ, मैं सब गोपाल है धोतिया गोपाल गोपाल 10,000 रुपये लिए आवास के बाद जे मोड़ा के राउंड में आती नहीं आई। नहीं आई देखो सर वो छत डरी है, अब सरपंच साथ सुनते ही नहीं कर लेते हैं शिकायत करी सरपंच, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।